तो बाइसिंग और पीएन जंक्शन में, बाइसिंग का मतलब फायदा करना, तो बाइसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, बाइसिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास ये पीएन जंक्शन है और ये डिप्लीशन लेयर है, ये पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन लेयर है, आप सोचेंगे बड़ी क्यों बनाई है, मैं बताता हूँ क्यों बड़ी बनाई, तो यहाँ पर एक बैटरी लगेगी, बैटरी से करंट मूव करवाएंगे, यहाँ पर भी बैटरी लगेगी, करंट मूव करवाएंगे, तो ये आपका पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये डिप्लीशन लेयर है। तो अगर आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्टेड है, तो इस बाइसिंग को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक। और उसी तरीके से अगर P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव और N इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं, यहां तक क्लियर है? तो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, कभी कभी डायग्राम में शॉर्टकट बनाया जाता है, ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये P है, ये N है, ये N है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, रिवर्स बाइसिंग, एक ही बात है। तो क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, अभी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट ही है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर काफी पतली हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर काफी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों होती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या बताया जाता है कि जब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले फॉरवर्ड बाइसिंग का मान लो, फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर सपोज करो एक पीएन जंक्शन हमने लिया, ये पीएन जंक्शन है, ये मैंने एक बैटरी ली, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया पी के साथ और एन मैंने कनेक्ट किया एन के साथ, ऐसे ऐसे कनेक्ट किया पी एंड एन। इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल्स हैं, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने बैटरी को लगाया तो बैटरी, इस बैटरी में इस पॉजिटिव ने, देखो पहले होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे थे, बैटरी ने फायदा दिया, किसे फायदा दिया, इस पॉजिटिव ने मेजोरिटी कैरियर्स होल्स को फायदा दिया, होल्स को रिपल्शन मिली और होल्स ने राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स को फायदा दिया, एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ने जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन होल मूव नहीं कर पा रहे थे, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, बैटरी की एनर्जी लेके इन्होंने क्रॉस किया और इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होना फिर से स्टार्ट हो गया। अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई डिप्लीशन लेयर में, डिप्लीशन लेयर पतली हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसी एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिल गए जंक्शन पे, तो इसने कहा मेरा होल गया, इसने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन गया, अभी तो एक ही बात हो रही, तो 100 मिले होंगे, तो मान लो इसके पास 100 होल्स थे पहले, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, मानो बैटरी ने 100 होल्स को यहां पास किया, 100 इलेक्ट्रॉन को यहां पास किया और 100 के 100 मिल गए आपस में। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके तो होल्स खत्म हो जाएंगे, ऐसे उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो उसी टाइम बैटरी एनर्जी देगी और इसके अंदर ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन में क्या सोए पड़े हैं, सिलिकॉन के बॉन्ड जो दिख नहीं रहे, ये तो डोपेंट दिख रहे हैं आपको, सिलिकॉन के लाखों करोड़ों बॉन्ड है इसमें। तो जैसे ही होल्स इलेक्ट्रॉन को, एक होल एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, उसी टाइम यहां पर लेफ्ट सेक्शन में कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और एक सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा बॉन्ड तोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा, खींचता हुआ इसको प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे मान लो इसके 100 गायब हो गए, तो ये कितने बॉन्ड तोड़ देगा, 100 बॉन्ड तोड़ेगा, 100 इलेक्ट्रॉन को यहां प्रोवाइड करके, तो इसका तो हिसाब पूरा हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे, अपने आप वहां पर क्या क्रिएट हो जाएंगे, 100 होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, फिर ये 100 होल्स 100 इलेक्ट्रॉन फिर मिलेंगे ड्यू टू रिपल्शन, फिर मिल जाएंगे बॉन्ड बन जाएंगे इनके, लेकिन अंदर सिलिकॉन के बॉन्ड फिर टूटेंगे और फिर तोड़ के 100 इलेक्ट्रॉन फिर इसको देंगे, अपनी जगह 100 होल्स क्रिएट कर जाएंगे। तो यानी कि एक तरीके से ये मिलते जा रहे हैं और यहां से फिर से तोड़ के 100-100 फिर क्रिएट होते जा रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड टूट रहा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स यहां ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड तोड़ के यहां से यहां आते हैं, तो करंट कैसे आएगा, करंट एग्जैक्टली इसके
ऑपोजिट जाएगा। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन में करंट का फ्लो होता है, करंट ऐसे मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसकी फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा इसमें, ठीक। तो इसको लिखना कैसे है, इसको आपने ऐसे लिखना है कि ये रहा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। अब जो बैटरी इंपॉर्टेंट है, जो बैटरी आप फॉरवर्ड बायसिंग में नीचे लगाते हैं और जो वोल्टेज अप्लाई करती है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। तो बैटरी ने क्या प्रोवाइड की, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। अपोजेस पोटेंशियल बैरियर वीबी, ये वीबी को अपोज करता है क्योंकि वीबी पोटेंशियल बैरियर चाहता है कि मेजोरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस ना करें, लेकिन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज चाहती है फोर्स लगा लगा के कि ये बैरियर को क्रॉस करें, तो ये अपोज कर रहा है। ड्यू टू इट डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है क्योंकि बैटरी जीत जाएगी, बैटरी तो मूव करवा देगी इलेक्ट्रॉन होल्स को। द मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड मूव टुवर्ड द जंक्शन। तो बैटरी ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, मेजोरिटी कैरियर को रिपेल किया और जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ऐसे ही पी रीजन के होल्स को भी रिपल्शन मिली और वो भी जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल कंबाइन विद ईच अदर। तो जैसे जंक्शन को क्रॉस करते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल को मिलेगा, अ कोवेलेंट बॉन्ड नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन। तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास सेमीकंडक्टर का एक बॉन्ड टूट जाएगा और लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन कहां मिल जाएगा, पहुंच जाएगा एन रीजन में, अपनी जगह क्या छोड़ जाएगा, एक डेफिशिएंसी, ये बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के एन रीजन में चले जाएंगे और अपनी जगह एक होल छोड़ जाएंगे, तो फिर से रिपल्शन मिलेगी, फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा अपनी जगह होल छोड़ जाएगा, तो होल इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे और यहां से क्रिएट भी होते रहेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है और इसके अंदर जो करंट जो मूव करेगा पूरे सर्किट में, उस करंट का नाम है फॉरवर्ड करंट। तो बैटरी ने क्या वोल्टेज लगाई थी, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, और जो करंट इसमें घूमेगा उसका नाम क्या है, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स में कुछ करना ही नहीं होता, रिवर्स में नेगेटिव टर्मिनल ने इस होल्स को अपनी मेजोरिटी कैरियर को अपनी तरफ खींच लेना है और इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को खींच लेना है। तो मेजोरिटी कैरियर जंक्शन पे जाने की बजाय उससे ऑपोजिट हो गए, मतलब कि बैरियर पोटेंशियल भी यही चाहता था मेजोरिटी कैरियर ना आए, बैटरी ने भी टर्मिनल ऐसे लगा दिए कि सारे मेजोरिटी कैरियर को ऑपोजिट खींच लिया। तो डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, लेकिन यानी कि मेजोरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे, पर पी रीजन में इक्का दुक्का बहुत छोटे एक आध इलेक्ट्रॉन तो फिर भी होता ही है, माइनॉरिटी कैरियर तो होते ही है, ऐसी एन रीजन में एक आध होल माइनॉरिटी कैरियर तो होता ही है। मेजोरिटी को नुकसान हो गया, माइनॉरिटी को फायदा हो गया, माइनॉरिटी को यहां रिपल्शन मिली और वो जंक्शन की तरफ चले गए। तो इन्होंने करंट में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये करंट इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, कैन बी निग्लेक्टेड। इस करंट का नाम है लीकेज करंट, या रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोला जाता है इसे। बस ये तो अननेसेसरी बहुत ही छोटा करंट है, तो डिप्लीशन लेयर थिक है और इस करंट का नाम है रिवर्स करंट या लीकेज करंट। और बैटरी में जो वोल्टेज अप्लाई की उस वोल्टेज का नाम है रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी की वोल्टेज का नाम क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, और करंट का नाम क्या है, फॉरवर्ड करंट। रिवर्स बायसिंग में बैटरी की वोल्टेज का नाम क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज, और करंट का नाम क्या है, रिवर्स करंट, ठीक है। ये नहीं आता पेपर में, फॉरवर्ड बायसिंग ही आती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स करनी है और फिर रेक्टिफायर करना है, ये काम है जो नेक्स्ट टाइम होगा।